स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज हम आई सेक्शन में किस तरीके से हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे जो हमने आई सेक्शन कंसीडर करा है वो हमने सिमेट्रिक आई सेक्शन करा है। सो आई सेक्शन दो तरीके हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक हो सकता है और एक अनसिमेट्रिक हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा सिमेट्रिक आई सेक्शन होता है उसके लिए हम किस तरीके से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आई सेक्शन जब सिमेट्रिक होता है तब थोड़ा इजी हो जाता है उसको एनालिसिस करना। सो देखते हैं कि हम आई सेक्शन में किस तरीके से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे हर पॉइंट्स पे अलग अलग सेक्शंस पे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। इफ द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन इज 40 किलोन्यूटन, सो हमारे पास जो आपका शियर फोर्स है सेक्शन पे वो कितना है आपके पास 40 किलोन्यूटन। जब हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 188.37 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन। सबसे पहले हम पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। सो अगर आपका जो सिमेट्रिक सेक्शन होता है तो वो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपका सेंटर पे आएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 350 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो आपके ओवरऑल डेप्थ है वो कितनी है 350 है। सो वाई बार कितना आ जाएगा आपका 350 बाय 2। सो ये आ गया हमारे पास 175 mm। नाउ अब हमको पता है कि जब आपका टॉप और बॉटम फ्लेंज पे एजेस पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो टॉप फ्लेंज है और बॉटम फ्लेंज है वहां पे जो एक्सट्रीम फाइबर्स है उन पे जो आपका शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा, जीरो होगा। नाउ अब हम फाइंड करते हैं कि जब आपका फ्लेंज है, जो आपका फ्लेंज है उसमें जहां पे आपका जॉइंट हो रहा है वो वेव से, वहां पे आपका शियर स्ट्रेस कितना है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं शियर स्ट्रेस एट टॉप फ्लेंज एट द जंक्शन। सो जंक्शन पे आपका कितना शियर स्ट्रेस आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास गाइज, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। यहाँ पे हमारे पास ए बी हम कितना लेंगे गाइज, 150 mm, बिकॉज जो आपका फ्लेंज है उसकी विड्थ कितनी गाइज, 150 mm। हमको आई गिवन है, बी गिवन है, एफ गिवन है, हमको ए वाई बार निकालना है। सो ए वाई बार कितना हो जाएगा गाइज, देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमको जितना भी एरिया है वो कंसिडर करना पड़ता है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 150 × 20। वाई बार क्या होता है, ये जो एरिया है इसका जो सीजी आएगा, मींस इसका सीजी कितना आएगा 10, से जो आपका वाई बार है वहां तक की डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, तो ये आपकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी गाइज, 165 mm, क्योंकि ऊपर आपका 10 हो जाएगा। सो पूरा आपका 175 है, तो माइनस करेंगे 10 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे लिख देते हैं इसको 175 माइनस 10। सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आइए आपके पास 495000। अब जितनी वैल्यू हमारे पास है वो हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 × 10³ × 495000 डिवाइडेड बाय आई हमारे पास कितना है गाइस, 188.36 × 10³ इंटू बी कितना है हमारे पास, 150। सो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमने सारी वैल्यूज जो है वो जब हमने पुट करी, तो हमारे पास जो टाउ है वो कितना आया, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमने कहाँ पे निकाला, जंक्शन पे निकाला, किसके लिए, फ्लेंज के लिए। अब जंक्शन पे जो आपकी वीट थे वो चेंज हो रही है, 150 से कितना हो रही है वो 10 हो रही है, तो उसी पॉइंट पे जो आपका शियर स्ट्रेस है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई गाइज हमारे पास, 0.7। अब इसी पॉइंट पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो अपन किसके लिए निकालेंगे, 10 mm के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि उसकी जो विड्थ है उस पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं,
सेकेंड शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ टॉप फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ टॉप फ्लेंज एट वेब. सो यहां पे आपका टाउ कितना होगा, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी. नाउ अब इसमें सिर्फ बी चेंज होगा, बी हम कितना लेंगे अब 10 mm. सो जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे सारी, 10 की पावर 3 इंटू 495000 डिवाइडेड बाय 188.37 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आपका बी कितना लेंगे हम 10. सो ये आ जाएगा हमारे पास 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ अब हमको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और वो कहां पे आएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे. सो शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, तो ये आपका कितना आ जाएगा गाइस, यहां पे देखिए टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी. नाउ यहां पे आपका एफ कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन. यहां पे आपका आई कितना हो जाएगा 188.37 इंटू 10 की पावर 6. बी हम कितना लेंगे, क्योंकि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे वो वेब में है और वेब की विड्थ कितनी है आपकी 10 mm. अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे आई ए वाई बार. सो ए वाई बार क्या होता है, जो भी आपका फ्लेंज है जो भी आपका न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर जितना एरिया हमको कंसीडर करना पड़ता है, और y बार क्या होता है उस एरिया की सीजी से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस. तो इस एरिया के लिए तो हम निकाल चुके हैं, तो ये तो हमारा सिमिलर ही आएगा 20 इंटू 150 इंटू 165 प्लस हमको जो नीचे वेब के लिए है उस एरिया के लिए निकालना है. तो उस एरिया के लिए हम कैसे निकलेंगे, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, ये पूरा 175 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 155. सो ये हमारा आ गया 155. ये आपकी थिकनेस है कितनी 10, और इसकी सीजी कितनी आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 155 इंटू 10 इंटू 155 बाय 2. तो ये हमारा क्या जाएगा ए वाई बार. ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 इंटू 150 इंटू 165 प्लस 155 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आ गया हमारे पास 615125. तो सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 615125 डिवाइडेड बाय 188.37 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10. सो सारी वैल्यूज हम रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस. तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 13.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ अब जैसा हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, तो नीचे वाले जंक्शन के लिए भी जो वैल्यूज है वो हमारी वही आएगी जो हमारी आई हुई है. तो हम सारी वैल्यूज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम रख सकते हैं. सो ये आपका आंसर निकल के आ गया, सारी वैल्यूज जो भी हमने जंक्शन और उस पर निकाली है वो हम पुट कर सकते हैं गाइस. तो ये आ गया आपके पास 10.5, ये आ गया आपके पास 0.6, ये भी उतनी वैल्यू आएगी आपके पास. सो इस तरीके से हम जो हमारा सिमेट्रिक सेक्शन है उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है वो हमारी सेंटर पे आती है, इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है जो हमारा अनसिमेट्रिक सेक्शन है उसके लिए. और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका ऊपर जो जंक्शन है फ्लेंज और वेब के, तो उसमें जो शियर स्ट्रेस आती है वही शियर स्ट्रेस आपकी बॉटम फ्लेंज के जंक्शन और वेब पे आएगी. और आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो गाइस कहाँ पे रहेगा, आपका न्यूट्रल एक्सिस पे. सो हमको यहाँ पे तीन जगह आपको शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगी. पहला होता है जंक्शन पे फ्लेंज और वेब के, और उसमें वीट हम किसकी लेंगे, फ्लेंज की लेंगे. तो जब हम फ्लेंज की वीट के लेते हैं गाइस तो हमारे पास कितना जाता है 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ जब हम वेब की वीट के लेंगे उसी जंक्शन पे तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो कितना जाएगा 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होता है कहां पे, न्यूट्रल एक्सिस पे.
तो हम न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे और वो कितना जाएगा 13.06 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और नीचे वापिस वही सिमेट्रिक है तो वही वैल्यूज आएगी। तो इस तरीके से हम जो हमारा आई सेक्शन है उसमें सिमेट्रिक सेक्शन के लिए हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।